हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 5G मोबाइल में जो है काफ़ी सारा अभी बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आ रहा है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली अभी जियो ने जो है अपना जियो ट्रू 5G जो है लॉन्च कर दिया है। एंड फ्रेंड्स, हम लोगों के पास में जो है 5G मोबाइल फ़ोन भी है एंड हम लोगों के पास में जो है 5G सिम भी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 4G सिम में ही जो है 5G जो है कनेक्टिविटी हम लोगों को देखने को मिल रही है, मतलब कि आप लोगों को जो है अलग से जो है 5G सिम लेने की ज़रूरत नहीं है। 4G सिम में जो है 5G आप लोगों को जो है यहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइड करा रहा है। तो फ्रेंड, फिर भी जो है एक समस्या आ रही है कि हमारे जो है सिटी या एरिया में जो है 5G अवेलेबल होने के बाद भी हमारा मोबाइल में जो है 5G नेटवर्क जो है देखने को नहीं मिल रहा है। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों को एक और बात बता दूँ कि 5G नेटवर्क जो है आप लोगों को लेने के लिए, मतलब एक्टिवेट यूज करने के लिए, आपका जो करंट में रिचार्ज प्लान चल रहा है वो 239 का होना चाहिए। मिनिमम जो है आपका रिचार्ज प्लान 239 का होना चाहिए, तो ही फ्रेंड्स आप लोग जो है जियो का 5G नेटवर्क जो है एक्टिवेट कर पाएंगे, उसे यूज कर पाएंगे। एंड फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो है मोबाइल फ़ोन 5G है एंड हमारा मोबाइल फ़ोन लेटेस्ट वर्जन में जो है अपडेट है एंड हमारा जो रिचार्ज प्लान है वो 239 है या 239 से जो है ज़्यादा प्लान है, मतलब कि 5G सिम का जो है यूज करने के लिए एक वैलिड प्लान है। फिर भी फ्रेंड, हमारा जो प्रॉब्लम है वो सेम है, मतलब कि हमारा जो नेटवर्क है 5G आना चाहिए वो जो है हमारे फ़ोन में नहीं आ रहा है, जबकि फ्रेंड हमारा जो है सारा सेटिंग जो है ऑन है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों ने जो है सही वीडियो पर क्लिक किया है। एंड फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो फ्रेंड, विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में। तो फ्रेंड, हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में आ चुके हैं। एंड फ्रेंड्स, आप लोग मेरे मोबाइल फ़ोन में जो है ऊपर के साइड में यहाँ पे देख सकते हैं 4G नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है। एंड फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो है यहाँ पे सिम कार्ड भी अपना दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, मैं जो सिम कार्ड यूज कर रहा हूँ वो जियो का है। एंड फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो है अपना मोबाइल फ़ोन भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। एंड मेरा जो मोबाइल फ़ोन है फ्रेंड, आप देख सकते हैं पोको X4 प्रो 5G है। एंड फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो है लाइव प्रूफ यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आप लोग जो है आप मुझे ये ना कहें कि ये जो है फेक कंटेंट है। एंड फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो है अपना प्लान भी यहाँ पे दिखाऊंगा। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग माई जियो ऐप को ओपन कर लेंगे। एंड माई जियो ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा वेट कर लेना होगा, ये रिफ्रेश हो रहा है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हम लोग इसे कट कर देंगे। एंड कट करने के बाद फिर आप देख सकते हैं मेरा जो प्लान है 239 का यहाँ पर देख सकते हैं आप चल रहा है एंड जो कि फ्रेंड 27 जनवरी को जो है एक्सपायर होगा। एंड फ्रेंड्स, फिर भी जो है मेरे मोबाइल फ़ोन में जो है 5G नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, कैसे आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में 5G को इनेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, उसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर में। एंड प्ले स्टोर में जाने के बाद फ्रेंड, आपको यहाँ पर जो है माई जियो ऐप को सर्च कर लेना है एंड आपको इस वाले एप्लीकेशन को माई जियो को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। एंड हम लोगों ने जो है इसे इंस्टॉल कर लिया, तो हम लोग इसे ओपन करेंगे। एंड ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना है। एंड वेट करने के बाद आप देख सकते हैं जियो ट्रू 5G, कंग्रेचुलेशन, यू हैव बीन अपग्रेडेड टू जियो, वेलकम ऑफर अनलॉक टू 5G। एंड फ्रेंड्स, यदि आप लोगों का जो रिचार्ज प्लान है वो 239 है या 239 से ज़्यादा है एंड आप लोगों का जो मोबाइल फ़ोन है वो 5G मोबाइल फ़ोन है, तो फ्रेंड आप लोगों के सामने जो है डेफिनेटली जियो ट्रू 5G का जो है यहाँ पे पॉपअप शो होगा वेलकम ऑफर। एंड यदि आपके एरिया या सिटी में जो है 5G अवेलेबल होगा तो। एंड अब आपको यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड, आपको यहाँ पे थोड़ा जो है वेट कर लेना होगा। एंड वेट करने के बाद ये जो है हैंडसेट की कैपेबिलिटी, कंपेटेबिलिटी एंड जो है प्रोसेस करेगा। एंड फ्रेंड, आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, हिज यूअर हैंडसेट ऑन द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन। एंड फ्रेंड्स, ये हमसे बोल रहा है यदि आपका जो है स्मार्टफोन लेटेस्ट वर्जन में अपडेट है
तो आप लोग जो है आई हैव अपडेटेड पर क्लिक कर सकते हैं। यदि अपडेट नहीं है तो आप लोग यहां से अपडेट नाउ पर क्लिक करके जो है अपडेट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, हमारा जो स्मार्टफोन है पहले से हम लोगों ने अपडेट कर लिया, तो हम लोग आई हैव अपडेटेड पर क्लिक करेंगे। एंड इस पर क्लिक करने के बाद फिर आप देख सकते हैं हैंडसेट 5G सेटिंग, इस पर जो है हमें एक एरर देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे इस एरर को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अब आपको क्या करना है, आपको जो है इस गो टू सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इस पर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे आपको जो है ये मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में रीडायरेक्ट करके ले जा लेगा। एंड अब आपको यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, आपको जो है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है इस पर आपको क्लिक करना है, जियो को सेलेक्ट कर लेना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रेफर नेटवर्क टाइप वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है प्रेफर 5G पर क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर के साइड में मेरे मोबाइल फ़ोन में 5G नेटवर्क शो होने लगा है। एंड हम लोग जो है फिर से माई जियो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। एंड यहाँ पे थोड़ा हम लोग वेट कर लेंगे। एंड वेट करने के बाद हम लोग फिर से गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। एंड इस पर क्लिक करने के बाद फिर ये फिर से जो है पहले की तरह प्रोसेस हो रहा है। एंड आई हैव अपडेटेड पर क्लिक कर देंगे। एंड फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ग्रेट यू आर इन्जॉय इस प्रकार से जो है आपके सामने यहाँ पे शो होगा। तो फ्रेंड, फाइनली जो है हमारे मोबाइल फ़ोन में जो है 5G सर्विस एक्टिवेट हो गई है, इनेबल हो गई है। एंड फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आप लोग पसंद आए, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड।